राहुल के साथ न्याय होना चाहिए। अब तो वो न्याय के सबसे बड़े मंदिर में है और सबसे बड़े मंदिर में आने के बाद तो न्याय मिलना भी चाहिए, मिलते हुए दिखना भी चाहिए। वापसी होना उनका उद्देश्य नहीं है, वो अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके अनुसार SLP आई है, जाते तो जाते कहाँ, हाईकोर्ट के खिलाफ कहाँ जाएंगे, हाईकोर्ट के खिलाफ संसद तो आएंगे। देखिए, राहुल गांधी आजादी के 75 सालों में संसद में ही रहे हैं, जब से बड़े हुए हैं, जब से बालिग हुए हैं। तो संसद जाने की अगर भूख होती राहुल गांधी को, तो मनमोहन सिंह जी की सरकार में सोनिया जी भी प्रधानमंत्री बनती, राहुल जी भी बनते और प्रियंका जी भी प्रधानमंत्री। और एक दिन के लिए नहीं, 13 दिन के लिए नहीं, एक साल के लिए, तीन साल के लिए बनते, 10 साल रहे। अगर राहुल गांधी ट्रक ड्राइवरों के साथ बैठ के यात्रा कर रहे हैं, अगर भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी ने की है, तो संसद जाने की जल्दबाजी में नहीं की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील AP सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल गांधी पे जो है आज सुनवाई थी, फैसला जो है 4 अगस्त के लिए टाल दिया गया है, उसी पे हम बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को, अब जो है सुनवाई के लिए 4 अगस्त की तारीख? अभी केवल नोटिस हुआ है, नोटिस का मतलब अब हम इस मामले को सुनेंगे। नोटिस का मतलब गुजरात सरकार को नोटिस, और जो कंप्लेनेंट है मोदी सरनेम के पूर्णेश मोदी, उनको नोटिस किया। उनकी तो कैवेट भी लगी हुई थी, लेकिन उनको भी नोटिस किया। उन सबको सुना जाएगा और सुने के 4 अगस्त को उसमें सुनवाई होगी। मांगा गया कि एंटरिम स्टे दे दें, प्रोसीडिंग को रोक दें, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी हम बिना सुने इस पर नहीं दे पाएंगे, जब सुनेंगे तभी देंगे इस पर अपना फैसला। बात यह भी हुई कि परिवार में किसने कौन जस्टिस रहे, चीफ जस्टिस रहे, उनका परिवार का कांग्रेस से कैसा संबंध रहा, क्या रहा, बात यह भी है, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष है, लेकिन निष्पक्ष दिखनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। तो ये दिखे कैसे? अब दिखने के लिए आपको कहना पड़ता है, तो उसमें ऑनरेबल कोर्ट जो भी है 4 तारीख को सुनवाई करेगी। गुजरात सरकार काउंटर एफिडेविट फाइल करेगी, पूर्णेश मोदी जी जो कि कंप्लेनेंट हैं, कैवेटर हैं, वो भी अपनी तरफ से काउंटर एफिडेविट फाइल करेंगे जो राहुल गांधी जी ने याचिका लगाई है, और उस पर आगे सुनवाई होगी 4 अगस्त को। उसके बाद फिर आगे निर्णय होगा। राहुल के साथ न्याय होना चाहिए, अब तो वो न्याय के सबसे बड़े मंदिर में हैं, और सबसे बड़े मंदिर में आने के बाद तो न्याय मिलना भी चाहिए, मिलते हुए दिखना भी चाहिए। और मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास करता हूं कि राहुल गांधी को यहां से न्याय मिलेगा। अगर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है, व्यू दिया है, बात कही है, अच्छी बात है। हमारे भी कई मामलों में ऑनरेबल उस समय के तत्कालीन चीफ जस्टिस थे, निर्भया केस में भी और केस में भी, तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें मेरा भतीजा उस तरफ से है, सिंह साहब। मैंने कहा नहीं, आप सुनिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप सुनिए, मुझे आप पर विश्वास है, देश की अदालत पर विश्वास है, अपने धर्म पर विश्वास है। यहां क्या लिखा है अंदर, यथा धर्मस्ततो जय, धर्म की सदा जय होती है। तो उन्होंने ऐसा कह दिया कि नहीं सुने, अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात है। पारदर्शी होना चाहिए, स्वच्छता बोलने से नहीं, दिखनी भी चाहिए। अदालत में तो निष्पक्षता ही जरूरी है, निचली अदालत पर तो आरोपी यही लगे राहुल गांधी के मामले में, और आरोप कुछ हद तक सही भी थे, लोग कहते हैं। इतनी 2 साल की सजा में इतनी जल्दी ट्रायल, इतनी जल्दी अपील डिसाइड होना, गुजरात हाईकोर्ट में कितनी अपीलें पड़ी हैं, बहुत पड़ी हैं, और 2 साल की सजा में तो जाती बेल होती है, और बेल होके काम होता है, आगे स्टे होता है। अब यहां भी आ गया है, मामला आना था, मजबूरी में था, और राहुल गांधी से पहले पूर्णेश मोदी जी आ गए कैविटर बन के, तो जब वो आए हैं तो उनकी भी सुनवाई होगी। काउंटर एफिडेविट गुजरात सरकार भी आएगा और वो भी देंगे, वो भी चलेगा, वो भी होगा। अच्छा, संसद सत्र चल रहा है, क्या लग रहा है कि जो 4 तारीख मिली है, तो संसद में वक्त मिलेगा राहुल गांधी को जल्दी पहुंचने का, बात रखने का अपने? देखिए, राहुल गांधी आजादी के 75 सालों में संसद में ही रहे हैं, जब से बड़े हुए हैं, जब से बालिग हुए हैं। तो संसद जाने की अगर भूख होती राहुल गांधी को, तो मनमोहन सिंह जी की सरकार में सोनिया जी भी प्रधानमंत्री बनती, राहुल जी भी बनते और प्रियंका जी भी प्रधानमंत्री। और एक दिन के लिए नहीं, 13 दिन के लिए नहीं, एक साल के लिए, तीन साल के लिए बनते, 10 साल रहे, 2 कार्यकाल है, और 1 साल के लिए मनमोहन सिंह भी रहते हैं। जल्दी नहीं है,
राहुल गांधी अगर ट्रैक्टर पर बैठ के धान रोप रहे हैं, अगर वो मोटरसाइकिल संभाल रहे हैं, तो उनको संसद जाने की जल्दी नहीं है। अगर राहुल गांधी ट्रक ड्राइवरों के साथ बैठ के यात्रा कर रहे हैं, अगर भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी ने की है, तो संसद जाने की जल्दबाजी में नहीं की है। उनके लोग मुख्यमंत्री भी हैं, कर्नाटक में भी जीत कह रहे हैं कि मेरी आवाज को आप दबा नहीं सकते, संसद नहीं जाऊंगा लेकिन मैं अपनी आवाज उठाता रहूंगा। तो आवाज उठ रही है, आज उनकी बात खेतों में उठ रही है, खलियानों में उठ रही है, आज उनकी आवाज मोटरसाइकिल रिपेयर करने वालों में उठ रही है, आज उनकी आवाज को सब उठा रहे हैं, कर रहे हैं, बात चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं करेंगे और जीवन में सफल होंगे। विपक्ष होना चाहिए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, विपक्ष के बिना सत्ता निरंकुश हो जाती है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी विपक्ष को बहुत अच्छा सींचा। माननीय मोदी जी विपक्ष को महत्व देते हैं, सदन से पहले मीटिंग करते हैं, विपक्ष के साथ बैठक करते हैं, चर्चा करते हैं। विपक्ष लोकतंत्र की उसी तरह है जैसे प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व। अगर प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व ना हो, विपक्ष ना हो, तो लोकतंत्र फट जाएगा और मौतें हो जाएंगी, जैसे प्रेशर कुकर के फटने से परिवार की बहन बेटियों की मौत हो जाती है, ये हो जाएगा। ये देखने की बात है। क्या लग रहा है आखिर में जो है इंसाफ मिल पाएगा? इंसाफ मिलेगा, आखिर क्यों, इंसाफ मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, मिलना चाहिए भी, ऐसे लोग भी आशा कर रहे हैं। ऐसी आशा होगी संसद में, वापसी होना उनका उद्देश्य नहीं है, वो अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके अनुसार एसएलपी आई है, जाते तो जाते कहाँ, हाईकोर्ट के खिलाफ कहाँ जाएंगे, हाईकोर्ट के खिलाफ संसद ही तो आएंगे, संसद में आए हैं, चलेंगे। लेकिन वहां से पुणेश मोदी कह रहे हैं कि सजा के हकदार है, जो गलत बोला है वो भुगतेंगे। पुणेश मोदी क्या ये कह दें साहब सजा खत्म कर दो, इन्हें जल्दी से अभी इसी सत्र में भेज दो, वो तो नहीं कहेंगे। आप उनके इंतजार में हो तो बैठे रहो ना, वो कहेंगे नहीं। उधर से राहुल गांधी भी कह रहे हैं, मैं अपने जो मैंने बोला है मैं उस पर अड़ी हूँ। अरे क्या करें वो, क्या करें वो, पुणेश मोदी तो कह रहे बात ही खत्म हो जाएगी, माफी मांग लीजिए। ऐसे कैसे माफी मांग ले, अगर माफी मांगते इंदिरा जी उनकी नानी, अगर माफी मांगती, नानी नहीं दादी, इंदिरा जी अगर दादी उनकी माफी मांग लेती खालिस्तानियों से, उनके भिंडर वाला पंजाब अगर बना देती खालिस्तान, उनकी हत्या नहीं होती। उन परिवारों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है, आप उसे हल्के में नहीं ले सकते, बहुत गंभीर विषय है और बहुत महत्वपूर्ण। तो कह रहे हैं मैं सावरकर नहीं हूं जो मैं माफी मांगूंगा। अब साहब वो तो क्या कहें, अब वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तारीफ करें क्या, वो सावरकर जी के यहाँ माल्यार्पण करें क्या, वो मोदी जी के यहाँ घर पे जाके बात करें क्या? संसद में मिलते थे, मिल जाते थे, झप्पी भरते थे, राहुल जी तो झप्पी भरते थे, देश के प्रधानमंत्री की प्यार करते थे। आखिरी सवाल, लेकिन कांग्रेस ये कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव जो है नजदीक है, इसीलिए जो है राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो क्या कहें, वो क्या कहें, मोदी जी जिंदाबाद, वो तो ना बोलते, बोलेंगे भी नहीं। वो तो 24 के लिए विपक्षी गठजोड़ हो रहा है, वो तो सब इकट्ठे हो रहे हैं, कर्नाटक में बैठक हुई, पटना में बैठक हुई, दिल्ली में भी बैठक होगी, वो तो करेंगे और क्या करेंगे। आप क्या सोचते हो, वो कहने लगे मोदी जी जिंदाबाद, वो ना कहें। हाँ जब गठबंधन में आ जाएंगे, जब मोदी जी के गठबंधन में आ जाएंगे, तो सबसे पहले बढ़ चढ़ के बोलेंगे यही मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, ये बात है। आखिरी सवाल, राहुल गांधी को इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल इंसाफ मिलेगा, उनकी पिटीशन में लिखा जाता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, अच्छी तरह से दलील रखी जाएगी, अच्छी तरह से वो लिस्ट रखी जाएगी कि मोदी सरनेम के कितने घोटालेबाज बाहर हैं, उस पर चर्चा की जाएगी, तो निश्चित तौर पर इंसाफ भी मिलेगा और इंसाफ होते हुए दिखेगा।